दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे मन में एक लाइन आ रहा है, जरा ध्यान सुनिएगा, कि दहेज लेना बंद करो और अपने बेटों को बेचना बंद करो। दोस्तों, अभी जो है दहेज लेकर बेटों को बेचा जाता है, ऐसा कि दहेज कोई लड़का इंजीनियर है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, तो बहुत सारा दहेज हर कोई लेता है अभी। ओके, तो यहाँ पर एक माइंडसेट बच्चा बना हुआ है कि अगर लड़की का शादी करना है तो भाई दहेज देना पड़ेगा, और हर कोई दहेज लेता भी, तिलक लेता है, ऐसा ये कॉमन थिंकिंग है। इसको ये हमारे कानूनी कानून में इसको ये अपराध मनाया गया, कानून मनाया गया है अपराध, कि दहेज देना और लेना दोनों ही क्या है, वो मतलब गैर कानूनी है। ओके, लेकिन भी आज भी हमारे समाज में दिया जाता है दहेज वगैरह। ओके ना, तो देखिए यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हमेशा एक कॉमन थिंकिंग है कि अगर बेटी को विदा करना है, जो बेटी होती है शादी करने के बाद उसको विदा करना है, तो भाई उसको दहेज दिया जाता है, और दहेज देने के बाद जितना जो भी रिक्वायरमेंट होता है दहेज देने के बाद, उस बेटी का अपने पिता के संपत्ति में किसी तरह का कोई हक नहीं होता है। ये कॉमन थिंकिंग है, सभी लोगों का ये मानना है। ओके ना, लेकिन मैं आप सबों को आज एक बहुत ही बड़ा जजमेंट के बारे में बताऊंगा, जहां पर एक सवाल है बम्बई हाई कोर्ट का, जहां पर जरा ध्यान सुनना, एक लाइव लॉ का हम रेफरेंस ले रहे हैं साहब, ये ऑथेंटिक है। देखिए, क्या दहेज देने से बेटी का परिवार की संपत्ति पर अधिकार खत्म हो जाता है? हाई कोर्ट ने जवाब दिया, तो दहेज देने के बाद बेटी का जो परिवार की जो संपत्ति है उस पर क्या उसका अधिकार खत्म हो जाता है? तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका जवाब दिया। आइए आज समझ जाइए कि जितने बच्चे लोग देखते हैं वीडियो, आप लोग जानेंगे कि पिता अगर आपको दहेज भी देगा तो आपका राइट्स होगा या नहीं उसके संपत्ति में। तो देखिए, हाल में ही जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, हम भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने ये बात कही। क्या बात कही कि देखिए, इस मामले की सुनवाई, ऐसे ही मामले की सुनवाई वो कर रहे थे, जिसमें कि जो जस्टिस थे, जस्टिस जो एम एस सोनक के बेंच ने कहा कि अगर ये मान भी लिया जाए कि बेटी बेटी को शादी के कुछ समय दहेज दिया गया था, कि बेटी को शादी के समय कुछ दहेज दिया गया था, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटी बेटियों का परिवार की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो ये कोर्ट ने कहा, जस्टिस आपको देख लीजिए, जस्टिस सोनक ने इस बात को कहा कि बेटी का जो है, अगर उसको हम दहेज दे भी देते हैं, ये इसका ये मतलब नहीं है कि उसका परिवार के संपत्ति में किसी तरह का हक नहीं रह जाएगा, ऐसा, ठीक है। आगे देखिए मामला क्या है, आप समझिएगा, इस मामला से आपको पता चलेगा कि इसका, ठीक है, क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। ओके, ये मामला जो है, ये मामला परिवार के संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अपीलकर्ता जो है, जो अपील की है, ऐसा अपने माता पिता की बड़ी बेटी है, जो बड़ी बेटी है अपने माता पिता के ऐसा, ओके, और उसकी तीन बहनें और चार भाई हैं। अपीलकर्ता के मुताबिक उसके पिता की मृत्यु के बाद अपीलकर्ता जो लड़की है, बड़ी बहन है, को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, तो जो पिता के मृत्यु से पहले ही से, ठीक है, तो अपीलकर्ता के मुताबिक जो है उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। ओके ना, लेकिन लेकिन मामला इसमें क्या है कि हालांकि उसकी माँ, देखिए, उसकी माँ और दो भाइयों ने मिलकर बहनों को बिना बताए उसकी पारिवारिक संपत्ति यानी दुकान और अन्य दो भाइयों को दे दिया, मतलब और भी बहनें थी, और भी भाई थे, उसको नहीं दिया, सिर्फ दो 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 भाइयों को मिल करके अपना नाम पे करवा लिया, ऐसा, ठीक है, उसको बिना बताए उसको, ठीक, उसको क्या कर दिया गया, उसको संपत्ति को नहीं दिया गया, ऐसा। इसके खिलाफ, देखिए, इसके खिलाफ अपीलकर्ता ने मुकदमा दायर किया, तो भाई साहब मुझे अधिकार नहीं दोगे तो मैं तो केस करूंगा इसे, और कहा कि दुकान पारिवारिक संपत्ति है, इसीलिए दुकान का भी, उस दुकान पर भी उसका अधिकार है, तो ये दुकान और दुकान जो संपत्ति है उसका, वो भी उसका पारिवारिक संपत्ति है, इसने ये कहा था। अब देखिए, चारों भाइयों और उसकी माँ ने कहा था, ठीक, चार भाई और उनकी माँ ने कहा था कि शादी के समय चारों बेटियों को कुछ दहेज दे दिया गया था, ये, ओके, ठीक है, इसीलिए वे पारिवारिक संपत्ति पर अधिकार नहीं मांग सकते हैं। तो भाई साहब, ये चार भाई और उसकी माँ कह रही है कि शादी के समय तो बेटियों को हमने दहेज दे दिए थे, इसीलिए क्या परिवार की संपत्ति में उस पर कोई भी अधिकार नहीं मांग सकते हैं, उनका ये कहना है, ऐसा। ओके, लेकिन देखिए मामला आगे क्या हुआ कि भाइयों ने यहाँ पर दावा किया कि दुकान पारिवारिक संपत्ति नहीं है, क्योंकि इसे तीनों भाइयों और पिता से मिलकर
पिता ने मिलकर खरीदा था। तो तीन भाई और पिता को पिता ने मिलकर खरीदा, तो ये खरीदा हुआ जो प्रॉपर्टी होता है वो पारिवारिक संपत्ति, मतलब कि वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होता है। ओके, देखिए मामले में क्या थे, देखिए ये जो मामला जब सिविल कोर्ट में गया था, जो ट्रायल कोर्ट था, मामले में ट्रायल कोर्ट ने अपील करता, ये बार बार ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायल कोर्ट ने अपील करता की याचिका को खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ अपीलकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, तो देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर दी। अब कोर्ट ने इस पर क्या कहा आप समझिए, देखिए कोर्ट ने कहा कि भाइयों का, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाइयों का कहना था कि बहन बहन का संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, वैसे भी लिमिटेशन एक्ट के तहत मौजूदा कार्यवाही को रोक दी गई थी। तो लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है उसका इसका ये कहना है कि लिमिटेशन एक्ट के तहत का उसका रूल फॉलो नहीं किया गया था, बहुत ही बाद में वो इस चीज पर केस कर दिया गया था, क्योंकि एक्ट के डीड पूरा होने के बाद मुकदमा 3 महीने में दायर करना होता है। तो देखिए डीड जब आपका कोई भी अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई जजमेंट आता है, तो अगर आपका आपत्ति होता है तो 3 महीने के अंदर आप अपील करेंगे, ठीक है। लेकिन इसने अपील नहीं कहा नहीं किया, इनका भाइयों का ये कहना था। ओके, उसका ट्रांसफर डीड 1919 में हुई थी, तो जो डीड जो हुआ था 1919 में हुआ था ऐसा, और मुकदमा जो हुआ था 1994 में किया गया था ऐसा, तो ये इसका ये कहना है, भाइयों का ऐसा कहना है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए याचिकाकर्ता जो लड़की होती है क्या कहती है इसे, याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट को बताया कि उन्होंने इसके बारे में 1999 को पता चला, ठीक है। तो उनको पता चला कि 1994 को उसे पता चला, और बाद में इसे लेकर के सिविल कोर्ट में कार्यवाही शुरू की। तो जैसे उसको पता चला तो वो सिविल कोर्ट में कार्रवाई शुरू कर दी ऐसा। इस पर जस्टिस सोनक ने कहा कि अपीलकर्ता ने पहले ही बताया कि उन्हें उन्हें डीड के बारे में पता चलने के 6 सप्ताह में ही मुकदमा दायर किया था। तो ये जो भाई लोगों का कहना था कि भाई 3 महीने के बाद भी वो अप्लाई नहीं की, वो अपील नहीं की, लेकिन जस्टिस ने इस बात को माना कि वो जो अपीलकर्ता जो थी, जो बड़ी बेटी थी, वो 6 सप्ताह के अंदर में ही क्या कर दी थी, वो अपील कर दी थी मुकदमा के लिए। ओके, अब देखिए उन्होंने आगे कोर्ट ने आगे क्या कहा, पिता के निधन के बाद बेटियों के अधिकार को जिस तरह से खत्म किया गया है वैसे खत्म नहीं किया जा सकता। मामले में वैसे भी यह साफ नहीं हो रहा है कि चारों बेटियों को पर्याप्त दहेज दिया गया था या नहीं, तो ये मामले में साफ हो ही नहीं पा रहा है कि दहेज दिए थे या नहीं दिए थे, मे भी नहीं भी दिए होंगे ऐसा, इस मामले में साफ नहीं हो रहा है, जस्टिस सोनक ने इस बात को कहा ऐसा। ओके, साथ में ये बात भी कहा कि देखिए कोर्ट ने ट्रांसफर डीड को रद्द कर दिया, तो जो ट्रांसफर किया गया था डीड को, वो डीड को रद्द कर दिया गया था, और अपीलकर्ता को भी दुकान यानी परिवार की संपत्ति पर अधिकार दिया। तो देखिए अब अगर तो कोर्ट ने इस बात को कहा कि भाई कि उसके परिवार के जो दुकान में जो है उसका संपत्ति का अधिकार है, तो ये इस तरह से ये बात रहा। तो अपील देख सकते हैं, केस का जो टाइटल है आप देख सकते हैं ऐसा, तेजिहिंस मटरन और से बनाम, ये इसके केस का टाइटल है सकता, थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ है। ओके, मैं इसमें इसको अंडरलाइन कर, आगे इसका जजमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसके जजमेंट का कॉपी दे सकते हैं, ये जजमेंट का कॉपी है। ओके, तो इसी तरह से आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो बच्चा लोग कि अगर पिता के तो कोर्ट ने सबसे बड़ी बात ये कहा कि आखिर अल्टीमेट कि बेटी बेटी का परिवार की संपत्ति पर अधिकार केवल इसलिए समाप्त नहीं हो जाता क्योंकि उसकी शादी के समय दहेज दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटी को शादी के समय दहेज दिया गया है तो भी, शादी के समय अगर आपको दहेज दिया गया है तो भी वो परिवार के संपत्ति पर अधिकार मांग सकती है। तो आप समझ गए कि शादी भी हो जाएगा आपका और आपके घर वाले आपको दहेज भी दे देंगे, तब भी आपके पिता के संपत्ति में आपका अधिकार होगा। ये बम्बई का हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा जजमेंट रहा, जो कि आज 22 तारीख का डेट है, इसी तरीके आज मैं आप लोग अपलोड कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप इस जजमेंट के माध्यम से आप लोगों को नया जानकारी जरूर जानने को मिला होगा बच्चा लोग। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे नए जजमेंट में आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहता है हमेशा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लव यू ऑल, बाय बाय। ओके।